कि मैं अपना लोगो लेने आया हूँ क्योंकि मेरा लोगो ये लोग ने चुराया है 09 का, और इन्होंने मुझे नहीं बताया था कि मुझे पूरा पानी में सोना है। अभी जाके इन्होंने मुझे बताया, इनकी वार तो बाद में लगेगी। हे गाइस, सलाम नमस्ते, कैम छो, कसक आए गाइस। आज मेरा मतलब मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन है। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, वहाँ से मैंने सोचा था कि मैं ये करूँगा, और ये मैं नॉर्मली कह रहा हूँ, बट मेरे अंदर की खुशी है वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि रात को मैं बहुत लेट सोया हूँ, क्योंकि रात को मैं मुंबई से आया और देन मेरा आज तुरंत मॉर्निंग में शूट था। मम्मी और दीदी अभी गए इस जगह से, जो कि आपको मैं आपको वो क्लिप रिएक्शन उनका दिखाने वाला हूँ। सो आज गाइस शूट है मेरे खुद के ब्रांड का, मेरा अपना ब्रांड, क्लोथिंग ब्रांड, जो आप लोगों को बहुत क्यूरियसिटी थी कि रोहित भाई आप क्या पहनते हो। मैं पहनता जो था उसे छोड़ो, अब मैं जो पहनूंगा उसे देखो गाइस। ये बहुत अमेजिंग कलेक्शंस है, ये खुद मेरी चॉइस के भी है, और इसमें बहुत मेहनत करी है, लगभग मतलब बहुत दिन दिए मैंने इस चीज़ के लिए। फाइनली आज उसका शूट है, एंड लॉन्चिंग थोड़े दिनों बाद होगा, वो भी हम ये पूरा वो एक ही ब्लॉग बनाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं, आज मेरा मेकअप है, देन आज शूट है, आज आपको सब बिहाइंड द सीन्स बताऊंगा। सो चलो लेट्स गो, देखते हैं, बने रहिए इसमें लास्ट तक, क्योंकि ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा मोमेंट है। तो कोई कहीं नहीं बोलता, मैंने तो लोगों के इतना आगे 7:30 बजे उठते उठे आज। Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Oh,
wondering how many men that you trapped and dumped in the ocean. गाइस ये हमारा थर्ड आउटफिट है और ये आउटफिट डेडिकेट किया हुआ है सनसेट के लिए. जो ये सेट देख सकते हैं पीछे पूरा सेट बनाया है इस आउटफिट के शूट के लिए. मतलब बेसिकली हम दिखाना चाहते हैं कि लाइक बीच पे एंड ऑल ये आउटफिट पहन सकते हैं. सो ये है थर्ड आउटफिट और लास्ट जो बन सकते उसका मैं भी वेट कर रहा हूँ. और वो मतलब कहते हैं कि वो सब कह रहे हैं जिन्होंने सेट ये रेडी किया है इधर सब पानी करेंगे. और जो लास्ट टी शर्ट है वो टी शर्ट का डिज़ाइन मेरा फेवरेट है. सो पहले ये शूट करते हैं दैन फिर जाएंगे लास्ट आउटफिट में और वो दो इसमें ये पहले ब्लैक ही बने थे. मैंने इसमें वापस वाइट भी बनवाए. तो मतलब इफ अगर किसी को पसंद आता है तो कोई वाइट लेगा या कोई ब्लैक लेगा. सो मेरी तो चॉइस दोनों थी इसलिए मैंने दोनों का शूट करवा लिया. अभी दोनों का वाइट एंड ब्लैक का आउटपुट आपको बाहर दिखेगा. सो चलते अभी बाहर एंड शूट करते हैं. अभी ये जो लास्ट वाला शूट है जो मैंने आपको बोला कि पूरा मतलब थोड़ा सा छोटा सा पूल टाइप बनाया तो पूल में होगा शूट. सो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए. सो लेट्स गो देखते हैं शूट कैसा होता है. सो लेट्स गो बाहर चलते हैं और आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ. Nah, don't try it. You can't feed me lies, won't buy it. Question everything, tell them nah, don't try it. Yeah, but you're moving like some sidekick. But you're moving like some waste man. Trying to impress me, won't like it. Be yourself, man, please don't try it. Really, why do they always? Nah, don't try it. You can't feed me lies, won't buy it. Question everything, tell them nah, don't try it. Yeah, but you're moving like some sidekick. But you're moving like some waste man. Trying to impress me, won't like it. Be yourself, man, please don't try it. Really, why do they always? Yeah, you know I'm back like black track suit with a black tack hat. People love to try, people love to lie, people forget, stop, remember that. We done them good, do you remember that? We needed someone, here's the facts. But people love to try, people love to lie. Yeah, this is London, mind the gap. Living life just multitasking. Smile like a horror movie, I'm laughing. Motivated and focused, crafting. Dash something and I break all your eggs in a basket. Can't handle it, why you asking? Can't handle it, why you asking? Can't handle it, why you asking? Please don't try it. तो गाइज जैसे आपने देखा ये लास्ट शॉट था हमारा. और ये लास्ट में रखा था क्योंकि पूरा गीला होना था. और इन्होंने मुझे नहीं बताया था कि मुझे पूरा पानी में सोना है. अभी जाके इन्होंने मुझे बताया. इनकी बात तो बाद में लगेगी पर दरअसल अभी ये शूट हमारा कंप्लीट हो चुका है. बट इसके बाद वाला जो शूट है वो मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था और आपके लिए भी अनएक्सपेक्टेड होगा. सो उसके लिए भी रेडी रहो. ये ब्लॉग उधर तक कंटिन्यू रहेगा, एंड नहीं होगा. सो रेडी रहना उसके लिए. जो हैंड आपके ड्रॉप कर लो बुलाएगा. गाइस जैसे मैंने आपको बोला था जब मेरा फ़ोटोशूट था कि इसके बाद हम लोग जो लॉन्चिंग वीडियो करने वाले हैं वो कुछ अलग होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा. और ये मतलब जो जिस वजह से मेरी पहचान है, जिस वजह से मैं बना हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं उसी अंदाज़ में इसका लॉन्चिंग वीडियो लाऊं.
सो आप ये पूरा सेट देख सकते हो, ये पूरा सेट हम लोग ने बनाया है। यहाँ पे होगा फाइटिंग सीक्वेंस जो होगा, और कंटेंट तो आपको पता ही चल गया होगा क्योंकि आपने अभी तक वीडियो देख लिया होगा। सो ये सारा हम लोग ने सेट किया है, और कंटेंट जो शूट करना है, जो ब्रीफ केस है, जो अपना लोगो है 09 का, सो उसके लिए मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा बताया गया है कि मैं अपना लोगो लेने आया हूँ, क्योंकि मेरा लोगो ये लोग ने चुराया है 09 का, सो मैं वही लेने आया हूँ। सो लेट्स सी कैसा होता है, टाइम तो बहुत जाएगा, पूरा दिन जाएगा। सो कल रात से लगे हुए ये सेट करने में, सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि आज प्रॉपर वाली फाइटिंग होने वाली, फ़ाइटर्स बुलाए हैं, 5-6 फाइटर्स हैं। सो देखते हैं, ये चीज़ मेरे लिए भी बहुत बड़ी है, और पहली बार मैं इतना ज़्यादा लेवल में फाइटिंग कर रहा हूँ, मेरा बैक पेन है। सो लेट्स सी क्या होता है, देखते गाइज़, हम लोग सुबह 10 बजे यहाँ पे आए हुए हैं, और अभी 8 बज चुके रात के। अभी हमारा सिर्फ 35% या 30% हुआ होगा वीडियो, अभी भी बाकी है। और जो एंट्री था और जो फर्स्ट फाइटिंग था, वही सीन हुआ है अभी तक। अभी मेन फाइटिंग का सीन होगा, और आज मुझे पता चला कि इस चीज़ में बहुत टाइम लगता है, और एक सीखने भी मिला है कि मतलब एक एक्सपीरियंस भी मिला है, और कुछ सीखने भी मिला है। अगर नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा करना हो तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे। सो लेट्स सी आउटपुट कैसा आता है, बट ट्राई यही है कि जो भी आए आपको अच्छा लगे। गाइज, अभी ये हमारा ट्यूबलाइट वाला शूट है, और ये थोड़ा रिस्की है हमारे लिए, बट इन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है जो फाइटर से। लेट्स सी ये शॉट कैसे जाता है, और देखते हो, खतरनाक वाला शॉट है, लाइफ का पहला शॉट है खतरनाक। लेट्स, पहले कब भरा है, खांसी आ रही रात भर, इट्स ओके, जितना काम करता हूँ उतना मज़ा आता है। ये एक्शन जितना मेरे मन जैसा कॉन्टेंट बनता है मुझे उतना मज़ा आता है। सो अभी भी होप ये है कि आउटपुट अच्छा निकले, क्योंकि इतनी मेहनत जा रही है इसमें, इतने लोग मेहनत कर रहे हैं, एक की नहीं सबकी आशा लगी हुई है इस वीडियो पे। सो लेट्स सी कैसे निकलता है आउटपुट। मेकअप लगा के मेकअप हट जा रहा है, पर ठीक नहीं आ रहा, बहुत चुलती अंदर से फाइटिंग के सीक्वेंस करने की, अब पता चल रहा है, और मज़ा भी आ रहा है, और बैक पेन भी हो रहा है। बट इट्स ओके, अभी दूसरा पेन भी स्टार्ट हो गया, बॉडी पता नहीं है, पहले ऐसे सब पेन नहीं होती, अभी पेन स्टार्ट हो गया लगता है, ज़्यादा हो गई थी एक्सरसाइज। कैसा फील हो रहा है लंबा टेक देखे? हार्ड लग रही गाइस, क्योंकि फाइटिंग सीक्वेंस में एक 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 फ्रेम लेनी पड़ती है। जो फाइटर्स आए बेचारे, उनको अभी तक उन्होंने
मेरे ख्याल से 25-30 बार स्टंट कर लिया होगा। सो मुझे खुद को शर्म आ रही है कि मैंने थोड़ा, मुझे तो सिर्फ हाथ पे रेला नहीं, उनको स्टंट कर दिया। सो सैल्यूट है उनको, रिस्पेक्ट फॉर देम। अभी भी बाकी है बहुत, और हमारे 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं शिफ्ट को। अभी तो मेन सीक्वेंस बाकी है वो उधर नाच वाच में कूदने का। एंड हाँ गाइस, ये मैं अलग से इंस्टाग्राम पे तो पोस्ट करूंगा, बट मैं अपने यूट्यूब पे भी पोस्ट करूंगा ये पूरा वीडियो, एक्शन वीडियो। ठीक है, तो हम जा रहे हैं फाइनल शॉट पे। ये हो गया, मतलब वीडियो हो गया, क्योंकि थोड़ा सा ही फाइटिंग सीक्वेंस बाकी, बट ये मैंने अभी आ चुका। पीछे स्मोक, सो लेट्स सी क्या होता है। बस लास्ट 20 मिनट पूरे वाले कुछ नहीं, सबने बहुत, टीम ने, सारी टीम ने मेहनत की, सारे फाइटर्स ने मेहनत की, सारे DOPs ने मेहनत की, सारे स्पोर्ट बॉयज ने मेहनत की, और जो हमारी टीम है, जो पर्सनल टीम है, उन्होंने मेहनत की, जो 09 की टीम है। सो सबके लिए, सबके लिए रिस्पेक्ट है और सबके लिए बहुत इज्जत है। सो थैंक यू सो मच गाइज कि आपने बहुत बहुत धन्यवाद।